हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, माँ बेटा चलो, मैं आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ संगीता। आज का ब्लॉग आज मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बाबू देखिए अभी सोई हुई है और सो रही है। अभी मैंने इसको दवाई पिलाई है और वो सो गई है। और सुबह के बज रहे हैं 7:51 हो रहे, मतलब 8 बजने वाले हैं। देवी स्कूल चले गए और आज हो गया कितना, 12 तारीख हो गए। हाँ, आज 12 तारीख है। और अभी ना मेरे सारे काम पड़े हुए हैं। जब छोटी थी बट ऐसे अब तक मेरे सारे काम हो जाते थे, मतलब नहाना, झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता था। बट अभी क्या है कि जब बाबू की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो मेरे सारे काम लेट होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सारे ये फैले पड़े। अभी इसका चादर सूखा नहीं हुआ, बेडशीट नहीं सूखा हुआ, तो वो सूख जाएगा, तो इस पर लगाने हैं। और ये सब सारे समेटूंगी क्योंकि दवाइयाँ वगैरह मैंने सारी दी थी। और इधर देखिए ये कपड़े जो हॉस्पिटल हम लोग गए थे पहन के, तो हॉस्पिटल के कपड़े, इसको धुलना है। मैं बाथरूम में चलती हूँ, साथ ही में धुल लूँगी क्योंकि सोए हैं जब तक ना, तो हमें सारे काम करने हैं। उठ जाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और दूसरा काम मैंने आज एक और बढ़ा रखा अपने लिए, ये बर्तन स्टैंड जो है इसको साफ़ करना है रगड़ रगड़ के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, लगभग 5 महीने होने वाले हैं अपने मकान में आए हुए मैंने, तब से मैंने इसको भी एक भी साफ़ नहीं किया, तो बहुत गंदा है। साथ में वॉश बेसिन साफ़ करना है, ये तो डेली साफ़ होता है। जो फालतू लाइटर बंद, जल्दी उसको बंद करो। मतलब कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ है। तो आपको मैं दिखाऊँ अपने किचन की हालत, ये देखिए सारे फैले पड़े हैं, सारे एक तरफ से फैले पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा पूरा बहुत ही ज़्यादा। और नीचे भी बहुत सारे फैले पड़े हैं। कुल मिला के मतलब मेरा सारा समेटना, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना, ब्रश करना, अनाज करना, सब कुछ अभी काम बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है। और हमें अभी 10 बजे फिर छुट्टी के लिए नेबुलाइजर दिलवाना, मतलब भाप दिलवाने भी जाना है। और डॉक्टर ने बोला है कम से कम दिन में 4 बार देना है उसे, 3 से 4 बार देना है, और साथ ही में शहद वगैरह देते रहना है, तो वो सब भी लेने जाना है हमें। और मैं आ गई भी दूसरे वाले रूम में, तो यहाँ पर देखिए इधर भी दवाइयों की लाइन लगी पड़ी हुई है। इन लोगों को भी समेटना है, मशीन को खोल के धूप में डालना था, सुखाना था, क्योंकि इसमें तेल वगैरह दूंगी, बहुत चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रखा है। और मेरे को कपड़े ब्लाउज सिलना थे। और यहाँ पर देखिए ये रात के जो कपड़े धुले थे कल के ना, तो इसको समेटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो इनको समेटना है। और साथ ही में देव की ड्रेस साफ़ करनी है, आज वाइट ड्रेस पहन के गए हुए हैं। तो बस ये सब सारे बहुत सारे काम पड़े हुए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, क्योंकि काम बहुत सारे हैं और टाइम बहुत ही कम है। और बाकी और मैं चलती हूँ काम करने, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये काम करो, पहले वो काम करो, तो पहले मैं किचन का काम करती हूँ, क्योंकि जब तक छोटी सोई हुई है ना, तो उसके लिए फिर मैं कुछ बना देती हूँ, सो के उठेगा तो कुछ खिला भी दूँगी, और फिर उसके बाद कुछ काम करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले खाना है। तो चलिए मैं फ़ोन को लगाती हूँ, ट्राईपॉड में देखती हूँ, फिर उसके बाद मिलूँगी आप सभी से थोड़ी देर बाद के लिए, काम करने के बाद मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा हो गई, और चलिए चलते अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले धुलूंगी मैं बर्तन, क्योंकि बर्तन साफ़ तो समझो किचन साफ, क्योंकि बर्तन से ना सारे किचन फैले से रहते हैं बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले वही काम करूँगी, बर्तनों को ना पूरा साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर अपने बर्तन वर्तन का साफ़ कर ली थी, और उसके बाद फिर से दूध आ गया था, तो मैं साथ ही में दूध भी उबाल दे रही थी। मैं कह जब काम कर रही हूँ तो लगे हाथ करते रहूँगी, क्योंकि बाद में करूँगी तो फिर लेट भी हो जाएगा। तो बस मैंने दूध छान दिया और किचन को पूरे ना स्लैब को साफ़ कर लूँगी फिर। और इस टाइम मैं लग रहा है 9 बज रहा है, और मेरे को 9:30 समथिंग ना सारे काम ना ख़त्म करने थे पूरे एकदम। तो बस मैंने चूल्हे वूल्हे को भी साफ़ कर दिया अच्छे तरीके से, और बस फिर इसके बाद यहाँ पर मैं छोटी के लिए दलिया हमें बनानी थी। और दलिया का जो पैकेट वाला मैंने मंगवाया था ना, तो बहुत बड़े बड़े पीसेस, मतलब बड़े बड़े थे दाने, तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया था मैंने। और थोड़ी सी इसमें मैं सब्ज़ी डाल करके ना मैं बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी वैसे छोटी तो खाएगी नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सोचा फिर भी दलिया बनाती हूँ, देखो शायद खाए। तो इसमें मैंने ले लिया था जीरा प्याज, यही सब डाल दिया था, और इसमें टमाटर, आलू, लौकी और थोड़ी सी सेम की फली थी वो डाल दी थी मैंने कट करके, तो मिक्स थोड़ा सब्ज़ी भी चला जाएगा और शायद खा भी ले।
तो यहाँ पर मैं बना ली तो मतलब 2 से 3 ही चम्मच खाए थे, बनाई तो थी, बहुत ही अच्छे से टेस्टी था, बट उसका खाने का मन नहीं कर रहा था ना, तो जिस कारण वो खाए नहीं। और जब उसकी तबीयत ख़राब होती ना यार, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता मेरा। वीडियो ये हमें लग रहा है 12 या 13 तारीख का है, बट मेरे को ना समय नहीं मिल रहा कि मैं इसको तैयार कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और जब छोटी की तबीयत ख़राब होती है ना, समझो सभी के सभी परेशान हो जाते हैं, देव हम वे, मतलब सभी के सभी, ना किसी को खाने का टाइम होता है, ना कुछ भी टाइम नहीं होता है, समझ लीजिए। तो अगर वो छोटी ठीक रहती है ना, तो सब कुछ ठीक रहता है, जब वो ठीक नहीं रहती तो समझो कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर बस मैंने दलिया बना लिया, जब तक मेरा दलिया बनता तब तक मैं यहाँ पर आ गई थी, वहाँ झाड़ू पोछा तो मैंने कर ली, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी। मेरा ये लास्ट काम होता है सफाई का, वॉश बेसिन, क्योंकि वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद ना फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। वो अभी छोटी को थोड़ा बेटर अभी ठीक है, क्योंकि मैं आज ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, और क्या आज शायद 15 तारीख है, तो आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी थोड़ी फ्रेंड्स सी बेटर फाइनली है। मेरे काम हो गए और अभी बजने वाले हैं 9:30 बजने में, अभी सिर्फ 3 मिनट बाकी है। तो जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक छोटी ने आवाज़ लगाई, मम्मा मैं उठ गया। नहीं बोली, मातेश्री मैं उठ गया। हाँ बोली, मातेश्री मैं उठ गया, जल्दी आओ। फिर मैं भाग के आई और ये देखो बेटा आपको क्या आ रहा था, चक्कर आ रहे थे। करी मम्मा मुझे चक्कर आ रहा है। और कैसे आप बुला रहे थे मम्मा को, मैम मम्मा मम्मा बोला था, अभी तो बोले थे मातेश्री, देखो माता श्री बोली थी, माता माता श्री ऐसे बुला रही थी, आवाज लगा रही थी। कौन बिल्ली मौसी है? आप बिल्ली मौसी हो तो फटाफट मैं 10 बजे यहाँ से निकलूंगी मैं, और मैं अपने सारे काम कर लूँ। ये देखिए सारा वेट भी सही हो गया, ये भी मैंने कर दिया, और इधर जो सारे फैले पड़े थे ये सब साफ हो गए, और किचन बिल्कुल साफ हो गया है, झाड़ू पोछा मैं सब कुछ। मम्मा के पास हूँ। गाइस मैं मम्मा के पास हूँ, हाँ मैं बच्चा, और मेरे सारे काम हो गए, मतलब नहाना धोना झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। अब 10 बजने वाले हैं, तो मैं पहले छोटी को नाश्ता कराते फिर मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, पैदल हमें जाना पड़ेगा बहुत तेज। देख लो भाई बता रही हूँ गाइस, मुझे उल्टी आ रहा था। आप ठीक हो जाओगे लाडो, उल्टी को इंजेक्शन लगाओगे, पैर में इंजेक्शन लगाओगे। कल छोटी को इंजेक्शन लगाना तो उन्हें ये याद आ रहा है। कहाँ लगा था बिट्टू इंजेक्शन कल, कहाँ लगा था आपको? बम में लगा था। तो चलो फटाफट नाश्ता करती हूँ मैं, और छोटी को भी कुछ खिलाती हूँ, फिर निकलती हूँ मैं वहाँ के लिए। गाइस के साथ खेलना है बेटा, वो कैसे आएंगे, बुला लो सबको, बुला लो, तो आ जाओ सबको मेरे पास आ जाओ, बुला लो गाइस, आ जाओ प्लीज मेरे बाबू की बात सुन लो, प्लीज आ जाओ सबको, मेरे बाबू के साथ खेल लो। नो ऐसे नहीं करते गंदी बात ना, ऐसे नहीं करते गंदी बात। तो चलिए मैं फटाफट जाती हूँ और आती हूँ, नहीं तो फिर जितना देर जाऊँगी। और हमें क्या नाम है, 3 बार जाना है, अभी जाऊँगी फिर 1 बार जाऊँगी, 3 बजे के लगभग जाऊँगी, फिर उसके बाद शाम को 8 बजे के लगभग जाऊँगी। तो 4 बार तो नहीं हो पाएगा, 3 बार हो जाएगा, तो 3 बार मैं दिलवा देती हूँ भाग। चलो फटाफट मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, तब तक बाय कर दो, बाय। नो गंदी बात।